विंटर्स में सूप और स्पेशली टोमेटो सूप के बिना तो वो एकदम अधूरी होती हैं। तो आज हम टोमेटो सूप बनाने वाले हैं और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। एग्जैक्ट वही रिच क्रीमी फ्लेवर आप एन्जॉय करने वाले हैं घर पर। तो ये टोमेटो सूप बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 2 टेबल स्पून घी या फिर बटर आप लें, हो सके तो ऑयल का यूज़ आप यहाँ पर ना करें। तो जब ये हीट हो जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे 3 क्लॉव्स ऑफ रफली चॉप गार्लिक एंड 1/2 इंच जिंजर, उसको भी रफली चॉप करके ऐड किया है। तो इनको हम अच्छे से सौते कर लेंगे और सौते करने के बाद हम ऐड कर देंगे 1/2 कप ऑफ चॉप्ड अनियंस। तो अनियंस को हम फ्राई कर लेंगे जब तक ये स्लाइटली गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती हैं। और अनियंस को फ्राई करने के बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 2 कप्स ऑफ रफली चॉप्ड टोमेटोज। साथ ही में हम ऐड करेंगे 1/2 कप ऑफ चॉप्ड कैरेट और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको कुक करना स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हमें इनको सॉफ्ट करना है तो 1/2 कप पानी और ऐड कर देंगे और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। तो जैसे ही 10 मिनट के बाद आप इसको चेक करेंगे तो देखेंगे सारी वेजिटेबल्स आपकी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो गैस फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम मिक्सचर को एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको ग्राइंड करके हम इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ पेस्ट हमने यहाँ पर बना लिया है। तो अभी इसको डायरेक्ट पैन में हम छान करके डाल लेंगे। तो बेसिकली अगर आपको ये बहुत ज़्यादा थिक लगता है या छानने में प्रॉब्लम होती है तो आप ग्राइंड करते टाइम उसमें 1/2 कप पानी ऐड कर लें और फिर उसको ग्राइंड करें तो ईजीली आप इसमें से सूप को सेपरेट कर पाएंगे। तो अभी गैस फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे और ये जो सूप है इसको हम कुक करना स्टार्ट करेंगे। तो ये बॉईल हो रहा है और इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टेबल स्पून शुगर एंड 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको और कुक करें और ये आपका टोमेटो सूप एकदम रेडी हो जाएगा। तो अभी सर्व करने के लिए यहाँ पर हम इस पर टॉपिंग कर देंगे थोड़ी सी क्रीम के साथ, साथ ही में डाल देंगे कुछ फ्राइड ब्रेड पीसेस और थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स के साथ हम इसकी गार्निशिंग कर देंगे। तो ये टोमेटो सूप सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है, आप ये ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।